मुंडा सिख ग्याली डेरी करनी ओ गंजिया नू कंगे वेचदा मुंडा सिख गया असी चादरां चढ़ाउंदे रहे मजार ते ते जिंदगी लंगार हो गई असी चादरां गुंगे पत्थरां लई हार परोया मैं फुल्लां दा कतल करके गुंगे पत्थरां बाबे बोतल बहाने नाल पी गए बई चीची नाल छिट्टा काढ़ी के। नमस्कार, मैं हूं राम कुमार। ये मेरे साथ में हैं जगसीर जीदा जी, जो पंजाबी के प्रसिद्ध पॉपुलर कवि हैं, जो लिखते हैं, अपने आप लिखते भी हैं और गाते भी हैं। और इनकी जो बोल गीत हैं वो समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो भ्रष्ट करप्ट लीडर हैं उनके ऊपर व्यंग करती हैं, और जो समाज में और कोई जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छी समाज बनाने के लिए वो लोगों को जागरूक करते हैं, ऐसी इनकी बोली है। ये आपको जनजवार चैनल के जरिए ये आपको जो पंजाबी में ये बोलिए ये अपना गीत सुनाएंगे, उसके बाद अगर कोई पंजाबी का शब्द ऐसा हुआ तो आप मेरे से पूछ लेना, मैं उसका हिंदी में अनुवाद करके बता दूँ। मुंडा सिख गया लीडरी करनी मुंडा सिख गया मुंडा सिख गया लीडरी करनी ओ गंजिया नू कंगे वेचदा मुंडा सिख गया सानू आखदे ने राम नाम लुट लो सानू आखदे ने राम नाम लुट लो ते आप बाबे मौजा लुट दे सानू आखदे गुंगे पत्थरां लई हार परोया मैं फुल्लां दा कतल करके गुंगे पत्थरां ओदी याद च अखां दा कैंप लग्गिया जो अखी कट्टा पाउंदा मार गया ओदी याद च सातों पंजमी पास ना होई ओ विद्या भाग मंत्री तैनू पै जाए दिल दा दौरा वे दौरे ते रहन वाले आ तैनू पै जाए। आपको दिल का दौरा पड़ जाए, जगह तैनू पै जावे दिल का दौरा दौरिया ते रहन वाले, ये बोलते हैं उस लीडर को कि तेरे को दिल का हार्ट अटैक हो जाए, दिल का दौरा पड़ जाए, जो सारा साल दौरे पे रहता है। क्योंकि लोगों का जो पैसा है टैक्स के रूप में इकट्ठा होता है, जो कल्याणकारी कामों में लगाना है, वो लीडर अपनी पूरे देश दुनिया में घूमते हैं, सैर करते हैं उसी पैसे से, तो इनको दुख होता है, बोलता है ऐसे लीडर को तो मर जाना चाहिए हार्ट अटैक हो के, जो हमारा पैसा ऐसे विदेशी दौरों में उड़ा रहे। गीता जी, हमारे दर्शकों को ये भी आप बताएं कि आपने जो व्यंग के रूप में हमारे देश के जो नेता लोग हैं, हमारे देश के लीडर हैं, जो हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, उन पर भी आपने कुछ व्यंग लिखे थे। हाँ जी, और वो व्यंग के बारे में आप कुछ न कुछ व्यंग हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। जैसे आपने वो मुख्यमंत्री पर था, आपका एक मंत्री पर था भी, एक ज्यादातर एक गांव की भर्ती कर लिए थे, सिंचाई मंत्री और सेहत मंत्री, खेड मंत्री, इनके ऊपर जो व्यंग की है वो बोलिए। चलो मैं सुनाने लगा हूँ। मुंडा सिख गया लीडरी करनी ओ गंजिया नू कंगे वेचदा मुंडा सिख गया ओदी याद च अखां दा कैंप लग गया जो अखी कट्टा पाउंदा मर गया ओदी याद च सातों पंजमी पास ना होई ओ विद्या विभाग मंत्री सातों पंजमी
चट्टे रुख ना हरे साढ़े होए, चट्टे रुख ना, चट्टे रुख ना हरे साढ़े होए होए, असी जंगलात मंत्री चट्टे रुख ना। इको पिंड दे सत्तर पटवारी, इको पिंड दे, इको पिंड दे सत्तर पटवारी, ओ साडी रिजगार योजना इको पिंड दे। सानू आखदे ने राम नाम लुट लो, सानू आखदे ने, सानू आखदे ने राम नाम लुट लो, ते आप बाबे मौजा लुट दे, सानू आखदे। इस गीत में इन्होंने बताया कि जो लीडर है उसका क्या गुण है, वो लीडर बन जाए, वो गंजे जो हैं जिनके सर पर बाल नहीं होते उनको भी कंघे बेच देते हैं। एक आदमी जो ऐसा है वो उसमें लीडर बनने के गुण हैं, वो बड़ा होके लीडर बनेगा। ऐसे ही जो आदमी है पंजाबी में खाना है, उसके चट्टे रुख हरे नहीं होते, यानी वृक्ष है जो उसको चाट देता है तो वो हरा हरियाली उसकी ख़त्म हो जाती है। ऐसे हमारा जंगलात मंत्री है, फॉरेस्ट मिनिस्टर है। दूसरी कौन सी? हाँ, एक मंत्री था हमारे, वो उसने अपने गांव के पटवारियों की भर्ती हुई थी इस अपने गांव के, अपनी वोट बढ़ाने के लिए 70 लड़कों को पटवारी भर्ती कर दिया, पूरे पंजाब में से एक ही गांव के 70 पटवारी थे। तो इन्होंने बताया कि देखो कितनी बढ़िया उसकी रोजगार योजना है कि एक ही गांव के 70 पटवारी वहां पे। जिदा एक थोड़ी बड़ी मशहूर सी हुई भी सुबह उठ के गुरु नाम जपी का मीटर की कुंडी पट के, उसने बताया था कि कोई आदमी है बिजली की चोरी करता है कुंडी लगाता है, लेकिन पहले उसके पास पूजा पाठ करता है तो फिर कुंडी पाट देता है। हाँ, उस पर बैंड था इसका। सुबह उठ के गुरु का नाम जपीदा है, सुबह उठ के, सुबह उठ के गुरु का नाम जपीदा, ते बिजली दी कुंडी पट के सुबह उठ के। बाबे फोन ते हथौड़ा पाउंदे, बाबे फोन ते, बाबे फोन ते हथौड़ा पाउंदे, ते मुट्ठी विच हो गई दुनिया बाबे फोन ते। रेंज उडगी राबता टुटिया, रेंज उडगी, रेंज उडगी राबता टुटिया, वे करनी वाले बाबिया दा रेंज उडगी। देखी संगत वेच दी वोटा, देखी संगत, देखी संगत वेच दी वोटा, वे संगता नू बाबे वेच गए, देखी संगत। तंबू पट्टे महामाई दे, नेरी चल पी गली च जगराता, नेरी चल पी, नेरी चल पी गली च जगराता, ओए तंबू पुट्टे महामाई दे, नेरी चल पी। टल हो गया मंदिर चो चोरी, टल हो गया, टल हो गया मंदिर चो चोरी, ओ संकट मोचण दा टल हो गया। आओ रब दे घरां दी राखी करिए, आओ रब दे, आओ रब दे घरां दी राखी करिए, ओ रब राखा दुनिया दा आओ रब दे। इसके बारे में ये भी जो हमारे जो मंदिर है गुरुद्वारा है वहां राखी के लिए आदमी रखा जाता है, वहां कोई बेअदबी ना कर जाए, लेकिन हम बोलते कैसे हैं भी जो रब वो हमारी राखी करता, पर उसके जो घर है उसकी राखी आदमी को करनी पड़ रही है, वो अपनी राखी को कर नहीं सकता, ये उस पर बैंड है। आप सत बैंड वाली कुड़ी पौड़ी बन जे, सत बैंड वाली, सत बैंड वाली कुड़ी पौड़ी बन जे, ते मुंडे नू चढ़ाउणा जाज ते सत बैंड वाली। कुड़ी फस गई कनेडा वाले चाच, कुड़ी फस गई, कुड़ी फस गई कनेडा वाले चाच, ते बुढ़े ना करा ली मंगनी कुड़ी फस गई। खून पी गई महंगाई, खून पी गई महंगाई साडा चंदरी, खून पी गई, खून पी गई महंगाई साडा चंदरी, ते खून दान कित्थों करिए खून पी गई।
ये बता रहे हैं कि जैसे चल रहा है कि खूनदान करना चाहिए, लेकिन हमारे जो देश में 50 करोड़ लोग हैं गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, उनके अंदर खून की कमी है। पंजाब का एक गांव है, वहां जब खून टेस्ट किया गया तो 85% औरतों में खून की कमी पाई गई। ये बोल रहे हैं कि खून तो महंगाई जो बढ़ रही है दिनों दिन वो पी गई है, हम खूनदान कैसे करें। असी चादरां चढ़ाउंदे रे मजार ते, असी चादरां चढ़ाउंदे रे मजार ते, जिंदगी लंगार हो गई। असी चादरां उच्चे पवना ते जोतां रहे बाल दे, उच्चे पवना ते जोतां रहे बाल दे, ओ जिंदगी हनेर कोठड़ी। उच्चे पवना आओ मना चो हनेरा दूर करिए, आओ मना चो हनेरा दूर करिए, भी चेतना दे दीवे बाल के। आओ मना चो हनेरा दूर करिए, भी चेतना दे दीवे बाल के। आओ मना चो एक आपके है कि जैसे मंगलवार को लोग नहाते नहीं, ऐसी आपका गीत है कि दुनिया मंगल पे चली गई है और लोग मंगल ग्रह दे उत्ते पहुँच गए ते साढ़े लोग मंगलवार नहाते ही नहीं। लोकी मंगल ग्रह दे उत्ते पहुँच गए ते पता सारे संसार नू, लोकी मंगल ग्रह दे उत्ते पहुँच गए पता सारे संसार नू। असी लोग वांगू चुंबड़े रवैतां नू नहाउंदे नहीं मंगलवार नू। ये बोल रहे हैं कि दुनिया ऊपर मंगल ग्रह तक चली गई है, अब हमारे लोग मंगलवार को नहाते नहीं हैं। जब हमारे लीडर जैसे हैं वैसी प्रजा होगा, हमारे लीडर जब हार जाते हैं तो वो लोगों से नहीं पूछते कि क्यों हार गए, वो ज्योतिषी के पास जाते हैं, वो ज्योतिषी उनको बताता है कि आपकी हार का कारण मंगल है, शनि है, चांद है, वो उसको बताते हैं। ऐसा तो हमारे नेता लोग हैं। दल बदली पर भी जो सियासी लीडर है जब एक से कुर्सी नहीं मिलती तो दूसरे पर चले जाते हैं, दल बदली कर जाते हैं, उसमें भी यही वही योद्धा ले लेते हैं, उस पर भी इनका एक व्यंग था। पग रंग दे ललारिया मेरी ओ राजनीति बदले गई। पग रंग दे साडी पग नू फरांस विच खतरा, साडी पग नू फरांस विच खतरा, वे पगो पगी हो गए खालसे। साडी पग नू साडे वेड़िया चो टूटियां पटा के, साडे वेड़िया चो टूटियां पटा के वे चांदी उत्ते पानी पाल दे। साडे वेड़िया आप पगड़ी की बात कर रहे थे, पगड़ी के रंग की इन्होंने जो गाया है कि एक लीडर जाता है ललारी के पास, जो पगड़ी को रंग देता है, उसको बोलता है कि राजनीति बदल गई, अब सरकार दूसरी आ गई, मेरी पगड़ी है वो उस रंग का कलर कर दो। जैसे बदल जाते हैं, जैसे हम पंजाब में तो पूरा कभी किसी पार्टी में ऐसे घूमते रहते हैं। और दूसरा इन्होंने कहा कि जहां पंजाब के लोग बोलते हैं कि हमारी पगड़ी को फ्रांस में खतरा है, ये डर लोगों को दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पैसे के लिए गोल के लिए गुरुद्वारे में लड़ाई करते हैं और एक दूसरे की पगड़ी है वो उतार देते हैं। एक आपका व्यंग था मनप्रीत, दोहां दा सांझा, जब मनप्रीत बादल अकाली दल छोड़कर कांग्रेस में आया, दोनों दाइको वित्त मंत्री, पंजे तकड़ी दी तह पूरी बैठदी दोनों का सांझा वित्त मंत्री, पंजे तकड़ी। ये है कि कांग्रेस का जो चुनाव निशान है वो पंजा है और अकाली दल का तकड़ी है, लेकिन इनको इनका कंप्रोमाइज ही समझिए कि जब सरकार बदली, पहले मनप्रीत बादल थे वो वित्त मंत्री थे, खजाना मंत्री थे अकाली दल में, उन्होंने पार्टी बदल ली, कांग्रेस में चले गए, उसके बाद कांग्रेस की सरकार बन गई, तब भी वहाँ वो खजाना मंत्री वित्त मंत्री थे, दोनों का साझा एक ही खजाना मंत्री।
बाबे बोतल बहाने नाल पी गए बई चीची नाल छिट्टा काढ़ी के बाबे बोतल बहाने नाल पी गए बई चीची नाल छिट्टा काढ़ी के कहिंदे बकरे नू बाबा जी दा घोड़ा छुरी दे नाल तौण वाढ़ी के कहिंदे बकरे नू बाबा जी दा घोड़ा छुरी दे नाल तौण वाढ़ी के बाबे संगीतां नू मुंडे वंडी जांदे बई कुड़ियां दी गल मुक जू बाबे संगीतां नू मुंडे वंडी जांदे बई कुड़ियां दी गल मुक जू तिल्ले वाले तो तवीत करा लो बई वादी दी आबादी रुक जू टिल्ले वाले तो तवीत करा लो बई वादी दी आबादी रुक जू मारी बुकल टुंडे नू कहंदा पांडा तू हाथ तां वखाला पोलिया मारी बुकल टुंडे नू कहंदा पांडा तू हाथ तां वखाला पोलिया टुंडे हत्थां ने बुकल जदों खोली बई पांडे तो ना जावे बोलिया टुंडे हत्थां ने बुकल जदों खोली बई पांडे तो ना जावे बोलिया लाई लगा दे मुलक विच काटा बई अन्नी तूए बोला खिचूगा लाई लगा दे मुलक विच काटा बई अन्नी तूए बोला खिचूगा साडा लीडर भविख बाणी पुछे बई चोणा वेले कौन जितूगा साडा लीडर भविख बाणी पुछे बई वोटां वेले कौन जितूगा छुट्टी भैन जी पति देवता शराबी होया रहिंदा मैं जून भोगा नारिकां दी पति देवता शराबी होया रहिंदा मैं जून भोगा नारिकां दी छुट्टी भैन जी स्कूल विच्चों लै गई बई करूए दे वारतां दी छुट्टी भैन जी स्कूल विच्चों लै गई बई करूए दे वारतां दी दासी इक्की दासी मिंटी जिथे लाया बई दासी दिन मसाई कट्टू दासी इक्की दासी मिंटी जिथे लाया बई दासी दिन मसाही कट्टू मेरे देश दे वैज्ञानियां दी कोठी बई उत्ते लाया नजर वट्टू मेरे देश दे वैज्ञानियां दी कोठी बई उत्ते लाया नजर वट्टू जैसे जे इन्होंने बोली गीत सुनाया कि एक आदमी है वो शराबी है शराब पीता है और पत्नी कोई मारपीट करता है वो नरक की ज़िंदगी जी रही है फिर भी वो टीचर है वो करवा चौथ का व्रत के लिए छुट्टी लेकर घर चली गई है वो भी व्रत रखती है। एक दूसरा है इन्होंने बताया कि जो ठेकेदार हैं जो हमारे देश में काम होता है जहाँ तीन एक का जो तीन हिस्से रेत और एक हिस्सा सीमेंट लगाना तो इन्होंने बोला कि दस एक का जहाँ सीमेंट लगा है वो 10 दिन ही चलेगा जैसे 2-3 पुल गिर गए हैं हिंदुस्तान में बनने से उद्घाटन से पहले ही गिर गए हैं वो 10 दिन ही कटेगा 10 दिन ही चलेगा तो हमारे देश के जो साइंटिस्ट है वैज्ञानिक है इंजीनियर है वो जब कोठी बनाते हैं वो उसके आगे नज़र बट्टू लगाते हैं ताकि किसी की नज़र से वो गिर ना जाए ऐसे ही ऐसे ऐसे उन्होंने बताया कि जो बाबा लोग हैं शराब लेते हैं भेंट में वो देवते के नाम पे थोड़ा उंगली पे लगा के उनको तो छिट्टा देते थे पूरी बोतल आप पी जाते हैं ऐसे ही जो ज्योतिषी है जो किसी का भविष्य जानते हैं
एक सर्दी में किसी जो आदमी था वो उसके हाथ कटे हुए थे, वो ऐसे बुक्कल मारी जा रहा था, तो ज्योतिषी ने बोला कि लाओ तेरा हाथ देख दूं। तो उसने जब ऐसे कटी हुई बाहें उठाई तो उसको यानी बोलना मुश्किल हो गया जो ज्योतिषी था। ऐसे ही इनके व्यंग हैं जो समाज कृतियों पर जो लीडर हैं, कि जैसे इन्होंने बताया कि हम शिक्षा मंत्री हैं लेकिन पांच पास नहीं की, हम शिक्षा मंत्री हैं। ऐसे ही हमारे जबकि ज़रूरत है, जो शिक्षा मंत्री है वो ज़्यादा पढ़ा होना चाहिए, जो सेहत मंत्री है वो कम से कम डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन हमारे तो जो शिक्षा मंत्री है वो बीमार होते हैं, ऐसा ये व्यंग करते हैं। जनज्वार, जनता की मीडिया।